मुरैना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ग्रामीण क्षेत्र में हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई है। मशीनें तथा उपकरणों सहित 12 हथियार व 12 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। थाना सरायछोला तथा साइबर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर गोपियापुरा गाँव में दबिश दी गई। अवैध हथियार का निर्माण तथा बेचने वाले दो आरोपी भी पकड़े गए हैं। दोनों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से हथियार बनाकर बेचने की जानकारी प्राप्त कर रही है। बताया जा रहा है कि इन हथियारों का उपयोग चुनाव में होने वाला था। है कि आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर सभी जगह वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर कंटिन्यूस हम लोग विभिन्न उसमें कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसमें कि नारकोटिक्स में भी और अवैध हथियारों को लेकर भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी तारतम्य में पुलिस को मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिली थी कि मुंशी का पुरा में एक व्यक्ति है जिसके पास अवैध हथियार है। पुलिस ने जब संबंधित व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया और रोककर उसकी तलाशी ली गई, तो उसके पास से 315 बोर का कट्टा पुलिस को प्राप्त हुआ। उसके बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा गोपिया का पुरा में एक अन्य व्यक्ति के माध्यम से वो हथियार लाना बताया गया। पुलिस ने जब इस सूचना को डेवलप किया और मौके पर गई और वहाँ पर जब उसने पुलिस ने वहाँ पर तलाशी ली, तो जो संबंधित व्यक्ति था उसके यहाँ से पुलिस को जो एक हथियार बनाने की एक फैक्ट्री जो है उसके यहाँ से उसको पुलिस को जानकारी लगी। पुलिस ने जब पूरा देखा तो वहाँ से पुलिस को एक अधिया जो करीब हाथ की बनी हुई थी 315 बोर की, वो पुलिस को मिली। उसके अलावा 11 कट्टे 315 बोर के, 2 कट्टे जिनकी अधबनी बॉडी थी, 2 315 बोर के नाल, 12 राउंड 315 बोर के। इसके अलावा जो हथियार बनाने में सामान उपयोग होता है उसमें प्लैंड मशीन, ग्राइंडर और ब्लोअर और इसके साथ साथ अन्य सामान जो आप देख रहे हैं, ये पुलिस को वहाँ मौके से प्राप्त हुआ। इसमें तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला पंजीबद्ध किया है, दोनों आरोपियों को राउंडअप किया है और इनसे अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो जानकारी आई है उसमें इनके साथ अन्य 3-4 लोगों के सम्मिलित होने की संभावना है, जिनके बारे में पुलिस अभी पता लगा रही है। और इसके साथ साथ जो इनका द्वारा पूर्व में हथियार बनाकर जो आसपास के क्षेत्र में किसी जिलों में उन्होंने सप्लाई करने की जानकारी दी है, तो पुलिस अभी उसको डेवलप करके जहाँ पे इनके माध्यम से सप्लाई करना बताया जा रहा है उनके उनको भी तस्दीक करेंगे। इसके लिए पुलिस ने भी इनको PR पे लिया हुआ है और इसके साथ साथ इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसके बारे में भी पुलिस अभी रिकॉर्ड इनका निकल पा रही है। इसमें अभी 2 आरोपी मिले हैं। एक आरोपी जो था जो जिसने इससे हथियार खरीद के, जो जिसकी जानकारी सबसे पहले पुलिस को मिली थी, उसको पुलिस ने राउंड अप किया और उसकी निशानदेही पर जहाँ से लाना बता रहा था जो एक व्यक्ति जिसके यहाँ पे संचालित हो रही थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके अलावा जो इनके अन्य सहयोगी हैं जिनके बारे में इसके द्वारा बताया जा रहा है उसके बारे में अभी पुलिस पता कर रही है और आने वाले समय में उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये चुनाव से पहले भी कर रहे थे लेकिन वर्तमान में जो इनके द्वारा बनाकर सप्लाई करने का किया था, तो इनके सप्लाई करने से पहले ही पुलिस ने इनको पकड़ लिया। संभावित है कि इन हथियारों का चुनाव के समय दुरुपयोग हो सकता है। ये अभी कुछ समय पहले से ही इन्होंने बताया है और एग्जैक्ट टाइम इसके जो साथी हैं वो जो पकड़े जाएंगे उनसे क्लियर हो जाएगा।